अभी के इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुका है मेनली बिकॉज उन्होंने एक वेल well प्लान और वेल well कोऑर्डिनेटेड तरीके से मुंबई के क्रूज शिप में रेड डाली थी जहां से उन्होंने आर्यन खान और इसके अलावा भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया ड्रग एब्यूज़ के चक्कर में अब देखिए ये पहली बार तो है नहीं जब एन को हम ऐसे धुआंधार एक्शन करते हुए देख रहे हैं इसके पहले भी 2020 में हमने देखा था सुशांत सिंह के सुसाइड केस के बाद जिस तरीके से एन ने काम किया था और बॉलीवुड और ड्रग्स का जो कनेक्शन है उसको सारे देश के सामने उजागर किया था अब देखिए इस टॉपिक पे बॉलीवुड में भी पहले भी काफ़ी मूवीज़ आ चुकी है और रिसेंटली बात करें तो उड़ता पंजाब नाम की एक मूवी आई थी अब इसके बाद जो था एक फ़ैशन नाम की भी मूवी थी जहाँ पे बॉलीवुड में ड्रग्स के यूज़ को दिखाया गया था साथ ही एक एन के काम करने के तरीके को दिखाती हुई मूवी आई थी जॉन एब्राहम की जिसका नाम था फोर्स तो हेलो एवरीवन मैं हूँ विश्ववर्धन आप देख रहे हैं फेनोलॉजी लीगल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना सिर्फ एन के बारे में बल्कि जो एक्ट जो लेजिस्लेशन जिससे एन को पावर मिलती है एक्शन लेने की उसके बारे में और ये जो लॉ है उसका नाम है एन एक्ट यानी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट ऑफ 1985 और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन इसके पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें मेरे पास है आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब मैं हमेशा की तरह चाहूँगा कि आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अटैम्प्ट करें तो सवाल यह है कि करेंटली 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है आपके ऑप्शन है ए ज्ञानेश्वर सिंह बी संजय कुमार सिंह ऑप्शन सी मोनिका बत्रा या ऑप्शन डी सत्यनारायण प्रधान तो इसे आप अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में लेकिन एट लास्ट इसका जवाब जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की तरफ तो अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हम ये पाएंगे कि हमारे देश में भांग और चरस जैसे जो ड्रग्स है वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए काफी पहले से यूज होते आए हैं लेकिन अगर हम इंडिया में ड्रग एब्यूज की शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार है इसकी बात करें तो इसका सिंपल सा आंसर हमें मिलता है हमारे प्रिय पड़ोसी देशों से अब हमारा जो बिलवड भारत है वो ऐसी गजब की लोकेशन में है आप देखिएगा जहां पर वेस्ट साइड में हमारे बनता है एक गोल्डन क्रेसेंट जिसमें आते हैं अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान जैसे देश जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट इलिसिट ड्रग सप्लायर्स है और यहां से ही ड्रग्स का मैसिव फ्लो आता है हमारे इंडो पाक बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया में और इसी का रिजल्ट हम पंजाब में देख रहे हैं कि ड्रग्स कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है और साथ ही यहां से अगर हम ईस्टर्न साइड में आए तो वहां पर हमारे लिए है गोल्डन ट्राइंगल जिसमें आते हैं बर्मा लाओस और थाईलैंड जैसे देश और ये तीनों देश जो हैं वो ओपीएम के बहुत बड़े सप्लायर्स हैं और इसके साथ ही साथ नेपाल भी अपना कंट्रीब्यूशन देता रहता है तो ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ड्रग्स की खेती होती है और यहाँ से ही इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आते हैं तो अगर अब हम लॉ की बात करें तो हमारे देश में अभी तो एन डी पी एस एक्ट है नाइनटीन एटी फाइव का जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन इसके पहले भी कुछ लेजिस्लेश थे हमारे पास जिससे कि ड्रग्स के यूज़ को कंट्रोल किया जाता था इसमें सबसे पहला एक्ट था दी ओ पी एम एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इसके बाद आया दी ओपियम एक्ट ऑफ 1878 और लास्टली आया था दी डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930। थर्टी हालांकि अब ये तीनों लॉस को रिपील कर दिया गया है और इनकी जगह ले ली है एनडीपीएस एक्ट 1985 ने तो चलिए अब सीधे सीधे जानते हैं एन डी पी एस एक्ट के एम्स और ऑब्जेक्ट के बारे में तो देखिए इसके दो ही एम और ऑब्जेक्ट हैं सबसे पहला तो है कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को रोकना अब जो ट्रैफिकिंग है उसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जैसे ड्रग्स के कल्टिवेशन को रोकना उसके मैन्युफैक्चर को रोकना उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना सेल और परचेज को रोकना और जो दूसरा एम है वो ये है इसके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना तो दो एम कौन से हैं सबसे पहला है कि ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया जाए ड्रग्स के और दूसरा है इसके कंजम्पशन को प्रोहिबिट किया जाए अब देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे ड्रग्स जो हैं जैसा गांजा चरस ये काफ़ी पहले से ही मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते आए हैं तो जो एन एक्ट है वो भी यही कहता है कि अगर ये मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं और गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब फिर आपको कोई सज़ा नहीं होगी लेकिन अगर आप ये इलिसिट पर्पजस के लिए यूज़ कर रहे हैं तब फिर आपको एन डी पी एस एक्ट के अंडर जो पनिशमेंट है वो होगी और यहीं से हम मूव करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पे जो कि एन डी पी एस एक्ट के अंडर दिए हुए हैं जहाँ पे ऑफेंसेज और पनिशमेंट के बारे में बात की गई है तो इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स की अगर बात करें तो एन डी पी एस एक्ट के अंडर अगर प्रोसिक्यूशन होना है तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा ड्रग पाया गया है और कितनी में वो ड्रग पाया गया है तो देखिए एनडीपीएस एक्ट के अंडर ही एक स्केड्यूल है जो डिफाइन करता है तीन कैटेगरीज को तो पहली कैटेगरी में आ जाता है स्मॉल क्वांटिटी दूसरी कैटेगरी में आ जाता है लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आता है कमर्शियल क्वांटिटी तो अगर इन तीनों क्वांटिटीज में अगर आपके पास ड्रग्स मिल रहे हैं तो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पनिशमेंट डिपेंड करेगी अब ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी है कि एक किलो का अगर कोई ड्रग है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में ही आएगा हर एक ड्रग के लिए अलग अलग क्वांटिटीज़ इसमें दी हुई है तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो गांजा है तो गांजा अगर एक किलो आपके पास मिलता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आ जाता है और वहीं पे कमर्शियल क्वांटिटी जो है वो 20 किलो की है जो एक्ट में दी हुई है और इसे अगर हम हेरोइन के साथ कंपेयर करें तो हेरोइन का सिर्फ पाँच ग्राम ही स्मॉल क्वांटिटी में आ जाता है और इसका ढाई सौ ग्राम जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है तो इस तरीके से अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग जो है वो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं कि वो स्मॉल में कब आएगा और कमर्शियल में कब आएगा और उसी हिसाब से जो है इसमें इस एक्ट के अंडर आपको सज़ा का प्रोविज़न दिया हुआ है तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को और इसमें पहला है सेक्शन एट सेक्शन एट जो है वो बात करता है आपके प्रोहिबिशन ऑफ कैनबिस, कोका लीव्स, पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम और इसके अलावा और भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो हैं उनके कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, उनकी वेयर हाउसिंग उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल परचेज फाइनेसिंग ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रोहिबिट करता है और अगर कोई इन एक्टिविटीज़ को करता पाया जाता है तो उसको सज़ा होती है इस सेक्शन के अंदर। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनडीपीएस एक्ट में आपके पास कितनी क्वांटिटी मिल रही है उस हिसाब से आपको सज़ा होगी तो वैसे ही देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई ड्रग स्मॉल क्वांटिटी में मिल रहा है तो आपको एक साल तक की सज़ा और साथ में दस हज़ार तक का फाइन हो सकता है वहीं पे अगर वो जो क्वांटिटी है वो स्मॉल से लेस देन कमर्शियल के बीच की कोई क्वांटिटी है तो वहाँ पे आपको 10 साल तक की सज़ा और साथ में एक लाख रुपए तक का फ़ाइन भी हो सकता है अब इसके बाद मान लीजिए आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी में कोई ड्रग मिलता है तो उस केस में 10 से 20 साल तक की सज़ा साथ में एक से दो लाख रुपए तक का फ़ाइन भी आपको पे करना पड़ सकता है अब ये तो खैर कोर्ट के डिस्कशन पर डिपेंड करता है अब यहाँ पर देखिए जब भी हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सिर्फ एक बार ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ और फिर छूट गया वो जनरली एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाता है तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको हमेशा 1.5 टाइम्स यानी डेढ़ गुना ज़्यादा सज़ा मिलती है जो भी नॉर्मल सज़ा प्रस्क्राइबड है और कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि उसे डेढ़ गुना सज़ा मिले और जो एन डी पी एस एक्ट है इसके अंडर डेथ पेनल्टी तक की भी सज़ा मिल सकती है जी हाँ ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में हो चुका है काफ़ी सारे केसेस में जहाँ पे जो ड्रग पेडलर है या जो भी ड्रग में इन्वॉल्व है जो हैबिचुअल uh, ऑफेंडर है उनको डेथ पेनल्टी तक की भी सज़ा दी गई है अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 20 तो जो कि स्पेसिफिकली कैनबिस के यूसेज और कंजम्पशन को प्रोहिबिट करता है और इसके अगेंस्ट सज़ा की बात करता है तो जो आर्यन खान को अभी अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर सेक्शन 8 और सेक्शन 20 दोनों ही लगे हुए हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 23 तो ये स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी अगर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और ट्रांसशिपमेंट करता है ट्रांसशिपमेंट मतलब मान लीजिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेज में भेजने का, का काम अगर वो करता है तो उस केस में उसको बीस साल तक की सज़ा साथ ही दो लाख रुपये तक का फ़ाइन भी हो सकता है तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने नहीं कवर किए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनडीपीएस है इन्हें काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है इसके बाद हम बात करने वाले हैं हैं कुछ बेल की जो एक्ट के अंडर दिए हुए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाना तो चलिए अब हम आ जाते हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर ही बेल के प्रोविजन पे तो देखिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो उसको बेल आसानी से नहीं मिलती है क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट के अंडर में बेल प्रोविजन के जो प्रिंसिपल हैं जो कि रेगुलर जो प्रिंसिपल चलते हैं बेल के उससे एकदम डिफरेंट है तो देखिए अगर आपको सीआरपीसी के अंडर बेल लेनी है तो बेल का प्रिंसिपल सिंपल सा ये कहता है कि कोर्ट को बेल ग्रांट करते समय थोड़ी लिबरल अप्रोच रखनी चाहिए जिससे कि अक्यूज़ जो है उसको बेल मिल जाए वहीं पे अगर हम एन की बात करें तो एन एक्ट के अंडर में ये प्रिंसिपल है कि जो बेल अगर किसी अक्यूज़ को ग्रांट होनी है तो वहाँ पर लिबरल अप्रोच रखो ही मत और पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ उसकी बेल एप्लीकेशन को कंसिडर करना चाहिए तो ये एक कारण है जिसकी वजह से एन एक्ट के अंदर जल्दी से बेल नहीं मिलती है और पूरा जो जुरस्प्रूडेंस यानी कि जो पूरा प्रिंसिपल है लॉ का वो एकदम ही उल्टा चलता है एन एक्ट के अंदर और वो कैसे देखिए जहाँ पर नॉर्मल लॉ के अंडर में ये प्रिंसिपल है कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी वहीं पे एन डी पी एस एक्ट में इसका रिवर्स होता है अ पर्सन इज कंसिडर्ड गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट तो ये एन डी पी एस एक्ट के अंदर जो लॉ के प्रिंसिपल है ये थोड़े डिफरेंटली काम करते हैं इस वजह से बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अब देखिए जो सेक्शन 37 है एन डी पी एस एक्ट का वो कहता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस होंगे वो सबसे पहले तो कॉग्निजेबल होंगे और दूसरे नॉन बेलेबल होंगे तो अब इन दो वर्ड्स का पहले मीनिंग समझिए कॉग्निजेबल यानी कि एक पुलिस ऑफिसर एक अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट जो उसको मैजिस्ट्रेट से मिले वो पुलिस ऑफिसर अपने आप से ही खुद से ही अरेस्ट कर सकता है एक इंसान को एक अक्यूज हो और वहीं पे नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि वो पुलिस ऑफ़िसर जो है वो बेल डायरेक्ट ग्रांट नहीं कर सकता और अगर आपको बेल लेनी है एन डी एक्ट के अंदर तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना होगा बेल लेने के लिए और बेल लेने के बाद फिर जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए कि लिबरल अप्रोच नहीं रखता कोर्ट वो अप्लाई होती है तो ये आ गया हमारा सेक्शन 37 के अंदर अब यहाँ पे दो ऐसे ग्राउंड हैं जो कि फुलफ़िल करने होते हैं आपको जब भी आप बेल की एप्लीकेशन लगाते हो एनडीपीएस एक्ट के अंदर तो सबसे पहला तो ये है कि भाई आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि आपने ये क्राइम नहीं किया है जिसका भी आपको अक्यूज बनाया गया है ड्रग्स से रिलेटेड आपने वो किया ही नहीं है ये सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा और दूसरा ये है कि अगर आपको बेल पे छोड़ दिया जाता है तो आप फिर से ड्रग्स वगैरह को लेकर के किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो गए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो एन एक्ट के अंदर अगर आपको बेल चाहिए तो फुलफ़िल करनी बहुत ज़रूरी है कोर्ट के सामने और इसके बाद भी कोर्ट अपना डिस्क्रशन ले करके डिसाइड करेगा कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है तो चलिए अब हम आ जाते हैं सेफ के बारे में डिस्कशन पे तो सेफ का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा एन डी एक्ट के अंडर जो बेल के प्रोविजंस हैं और बाकी भी जो पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करते हैं इसका यह मतलब है कि जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या ऑफिसर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा पावर मिल रखा है तो अब जब भी ज़्यादा पावर मिल जाता है तो वहाँ पे सेफ़ देना भी ज़रूरी है वरना जो ऑफिसर्स हैं वही अपनी पावर को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो इसीलिए हुआ यह है कि जो एन डी पी एस एक्ट है उसके अंदर कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं जो नॉर्मल सिटीजन को सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं साथ ही कुछ जनरल क्रिमिनल लॉ के भी प्रोविजन्स हैं तो देखिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करता है तो उस अरेस्ट की उसे एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी कि उसका अरेस्ट क्यों हुआ कहाँ पे अरेस्ट हुआ और यह रिपोर्ट जो है उसे अपने सुपीरियर ऑफिसर को सबमिट करनी पड़ेगी तो यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस जैसा एक काम हो जाता है जिससे कि ये पता चलता है कि कोई भी इंडिविजुअल अरेस्ट हुआ है और वो क्यों हुआ है सेक्शन फिफ्टी की हम बात करते हैं एन एक्ट के अंडर तो सेक्शन 50 जो है वो एक राइट right देता है अक्यूज को कि वो चाहे तो ये डिमांड कर सकते हैं कि उसका जो भी सर्च है वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने हो राधा एक पुलिस ऑफिसर के सामने क्योंकि हमने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा हुआ है कि सर्च के टाइम में कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअल के सामान में ड्रग्स छुपा दिया और उसके बाद सर्च में उसी को निकाल लिया और उसी के बेसिस पे उस इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर दिया तो इस चीज़ से बचने के लिए जो इंडिविजुअल है एक सिटीज़न नॉर्मल सिटीज़न है उसको ये राइट right दे दिया गया है कि वो डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरा सर्च जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने ही होना चाहिए इसके बाद अगर हम मूव करें तो आता है सेक्शन 55 तो सेक्शन 55 के अंडर में ये दिया हुआ है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी इंडिविजुअल को सर्च कर रहा है तो उस सर्च के दौरान जो भी सामान उसको मिला है वो उस पुलिस ऑफिसर को अपनी कस्टडी में रखना होगा सील लगा के तो जिससे कि कोर्ट में आगे चल के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो तो ये थे कुछ सेफ जो कि आपको एन एक्ट के अंडर मिल जाएंगे जो कि एजेंसीज या ऑफिसर्स के एक्शन के अगेंस्ट है तो एक सिटीजन अपने आप को सिक्योर फील कर सकता है इसके बाद आते हैं उस सवाल पे जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था तो उसका जवाब है ऑप्शन डी तो आई होप कि एन डी एक्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी और जानकारी ज़रूर मिली होगी ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एक्ट